हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है पुनीत कुमार। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहेगा 2018 का जो यूजीसी नेट हुआ उसमें जो क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, इसके चारों ऑप्शनों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आया था 2018 में कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी बिहारी वर्ग में नहीं आती। तो नहीं आती क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती। तो हम देखते हैं, ऑप्शन दिया था भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ी। अब व्याख्या देख लेते हैं हम इसकी, कि व्याख्या में क्या क्या है। बात करेंगे हम सबसे पहले सोर्स यानी अपभ्रंश की। तो सोर्स यानी अपभ्रंश की उपभाषा कौन कौन सी है? तो इसकी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और खस या पहाड़ी उपभाषा है इसकी। अब पश्चिमी हिंदी की जो उप बोलियां हैं वो है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। तो जो आपका भोजपुरी है, भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है? तो आपकी भोजपुरी आती है, ये आती है आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत। और जो राजस्थानी उपभाषा है, सोर्स यानी अपभ्रंश की उपभाषा है, उसमें कौन कौन सी भाषा आती है? मारवाड़ी आती है, जयपुरी आती है, मेवाती है आती है और मालवी आती है। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? तो कुमायूनी आती है, गढ़वाली आती है, नेपाली आती है। अब अर्धमागधी की बात की जाए तो अर्धमागधी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? उपभाषा इसकी पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी जो इसके बोलियां आती है? तो पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो हमारा आंसर ये है कि छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ना कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिमी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती। तो बिहारी हिंदी वर्ग में आपकी 3 भाषाएं आती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, जबकि छत्तीसगढ़ी नहीं आती। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। तो ये किसका कथन है? हम देखेंगे, 4 ऑप्शन दिया गया है। सुनीति कुमार चटर्जी ऑप्शन है पहला, दूसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह है और रामविलास शर्मा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। तो ये रामविलास शर्मा का कथन है दोस्तों। रामविलास शर्मा ने कहा कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार कहा गया था कि सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या कहा कि काल्पनिक सिद्धांत अनुसार संस्कृत तथा वैदिक में देसी और विदेशी का शब्द था ही नहीं। तो ये इनका कथन है, ये आपको देख लेना है। आगे हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन हमारा। तो तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं में कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और बात करें हम कि क्या था ये, कि आचार्य जो कथन था, आचार्य शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में कहते हैं कि सिद्धों और योगियों की रचना तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोध, भित्री चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व आदि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियां और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश को काव्य तत्व के लिए बाधक नहीं समझना चाहिए।
धार्मिक होने से पहले होने से कोई रचना साहित्य की कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यदि ऐसा मानकर चला जाए तो तुलसी का मानस और जायसी का पद्मावत भी साहित्य की सीमा में प्रविष्ट नहीं हो सकेंगे। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है कि अरे नव जोगन अभिरामा कथन दिया है, जत देखल तत कहत न पारिय छव अनुपम एक ठामा। तो उक्त काव्य पंक्ति में कवि कहना क्या चाहता है, तो कवि क्या कहना चाहता है उक्त काव्य पंक्ति में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें जो कवि ने कहा है कि यह, इसकी व्याख्या देखते हैं हम, यह पंक्ति विद्यावती की ही है, तो विद्यावती जी की यह पंक्ति है। और बात की जाए क्या कहा है, इन पंक्तियों में कवि ने नायिका का नक्षिक वर्णन करने का प्रयास कर रहा है। वह कहता है कि आहा नायिका का यह कैसा मोहक नवयौवन है, ऐसा रूप है कि देखो कुछ भी नहीं कहा जा सकता जा रहा है, यह चकित रहने वाला है, जैसे छह अनूठे पदार्थ एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं। अतः कवि इन पंक्तियों में रूप वर्णन करने में असमर्थ है। तो क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन चार, असमर्थ, रूप वर्णन करने में असमर्थ है कवि, विद्यापति की यह पंक्ति है। आगे है पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, रस गगन गुफा में अजर जरे अजप्पा सुब्रम जाप करे। उक्त पंक्ति में गगन गुफा का क्या अर्थ है, तो गगन गुफा का क्या अर्थ है, गगन उपगुफा का अर्थ है ये है सहस्रार चक्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और व्याख्या देख लेते हैं हम, दी गई पंक्तियों में गगन गुफा का आश्रय सहस्रार चक्र से है। कुल आठ चक्र मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा बिंदु सहस्त्र है। सहस्त्र इनमें सबसे श्रेष्ठ माना गया है, यह सिर के शिखर पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो सिर के शिखर पर स्थित है। इसे ब्रह्मारंध्र या भी कहा जाता है, मतलब इस पर ईश्वर का द्वार भी कहा जाता है। यह आध्यात्मिक चेतना और दिव्य तत्व का केंद्र होता है। जब आपने देखा होगा कि जब इंसान मरता है तो जब उसको मुख अग्नि दी जाती है तो उसकी जो कपाल होता है उसमें छेद किया जाता है। क्या कहते हैं, उसमें एक हमारी एक प्रथा है कि कहते हैं कि ऐसा ना करने से जो आपका प्राणी होता है उसको गति नहीं होती है, इसकी इसके लिए यह किया जाता है, जिसे ब्रह्मरंध्र या ईश्वर का द्वार भी कहा जाता है। और जो सहस्त्र चक्र होता है इसे यह कहते हैं सिर के शिखर पर होता है ये, जिसे तालु कहते हैं हम। अब आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है हमारा हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण। तो हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण क्या है, तो हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण की बात की जाए तो व्याख्या देखते हैं हम, व्याख्या से हमें पता लगेगा। लोक निरपेक्ष कहते हैं जिन्हें, तो लोक निरपेक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहते हैं, तो हरिदासी संप्रदाय को क्या कहते हैं, सखी संप्रदाय भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, सखी संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक, तो प्रवर्तक की बात की जाए तो इसके हरिदासी थे, स्वामी हरिदास। इसमें निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि है। इसमें कृष्ण ना तो सृष्टि रचना प्रक्रिया में पड़ते हैं और न ही प्रभुता धारण कर संसार के क्रियाकलापों का दायित्व रखते हैं। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष है, तो क्या है, इस संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन दो। अगला है हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनी बदु विधि बहु विधि सब संत। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने हवत किसके द्वारा कहलाई, तो काक वसुंडी के द्वारा यह कहलवाई थी या शिव के द्वारा कहलाई। इसमें इस हम व्याख्या से देखते हैं कि श्री राम के चरित्र का गान चार प्रमुख संवादों के रूप में हुआ है। प्रथम संवाद की बात की जाए तो शिव पार्वती संवाद है, दूसरा संवाद की बात की जाए तो काक वसुंडी गुरु संवाद है, जो तीसरे संवाद की बात की जाए तो
जाक वलिक या याक वलिक भारद्वाज संवाद है। और अगला जो आपका लास्ट है वो है तुलसी संत समाज संवाद है। तो श्री रामचरितमानस के राम कथा प्रसंग में शिव जी पार्वती जी को कहते नाम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनही बहुविधि सब संता रामचंद्र के रचित सुहाय कल्प कोटि लगी जाए नागा। तो ये शिव के द्वारा पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे है आठवां क्वेश्चन। तो आठवां क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की है। तो किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की है, तो इसमें चार ऑप्शन दी गई है, चिंतामणि, मतिराम, राम सहाय, अमीरदास। तो बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम देखते हैं व्याख्या में, रीतिकाल के कवि चिंतामणि ने सत्सई की रचना नहीं की है। तो किसने, चिंतामणि ने इसकी सत्सई की रचना नहीं की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मतिराम, राम सहाय, अमीरदास, बिहारी, रहीम, वृंद, भुक्ति, चंदन, रसनिधि इत्यादि कवियों ने सत्सई की रचना की है। तो तीन कवियों ने कवि रचना की है सत्सई की, मतिराम, राम सहाय और अमीरदास ने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार दरबार या कवित्त पढ़ा था। तो क्या है, मीनागढ़, बम्बई, समुद्र, मदराजा, राजबंग, बंदर को बंद करी, बंदर वसावेगो, कहे पद्माकर कसकी, काश्मीर हुको, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़वावेगो, वांका नृप, अलीजा महाराज कवो, साजी दल पकरी, फिरंगी फिरंगिन दबावेगो, दिल्ली धपट्टी, पटना हुको, झपट झपट करी, कबहू लता कलकत्ता को उड़ाव गयो बेगो। तो ये पंक्ति किसके दरबार में कही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दौलत राव सिंधिया के दरबार में कही गई ये पंक्ति। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम, पद्माकर का जन्म कब हुआ, तो 1810 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और जो संबत है और ईस्वी की बात की जाए तो 1753 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था। पद्माकर को कई राजाओं के यहाँ आश्रय प्राप्त हुआ तथा कई राज्यों का भ्रमण इन्होंने किया। सागर नरेश, रघुनाथ राव महाराज, जैतपुर, सुमरा के नाने अर्जुन सिंहा, इन्होंने क्या किया, पद्माकर अपना मंत्र गुरु बनवाया। और दतिया नरेश, महाराजा परीक्षित, गोस्वाई अनुपगिरी, हिम्मत बहादुर थे जो, सितारा नरेश, रघुनाथ राव राघवा जिसे कहते थे, जयपुर नरेश, प्रताप सिंह और जगत सिंह, उदयपुर के महाराजा भीम सिंह और ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहते थे। तो ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहते थे। दौलत राव सिंधिया के दरबार में पद्माकर ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए यह कवित कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दौलत राव सिंधिया के दरबार में पद्माकर ने कहा। तो राइट आंसर आपका आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेह त्रिशूल के उपनाम से कविता करते थे। तो त्रिशूल के नाम से क्या करते थे, ये कविताएं लिखते थे। ये एक क्वेश्चन बन गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिशूल के नाम उपनाम से कौन से कवि कविताएं करते थे। तो ये करते थे गया प्रसाद शुक्ल स्नेह, सुकवि नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। तो क्या किया, सुकवि नामक पत्रिका का संपादन भी किया इन्होंने गया प्रसाद शुक्ल स्नेह ने। और इनकी रचनाओं की बात की जाए तो प्रेम पच्चीसी, कुसुमांजलि, कृषक करदन, राष्ट्रीय वीणा, करुणा करुणा कादम्बिनी आदि इनकी रचनाएं हैं। स्वपन की बात की है, स्वपन, पथिक, मिलन, मानसी, कविता कौमुदी आदि राम नरेश त्रिपाठी की। तो स्वपन रचना किसकी है, स्वपन की बात की जाए तो ये है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। ये रचना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर बी।
ऑप्शन दो आपका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा आपके लिए, ये क्वेश्चन है, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? तो प्रेम शतक के रचनाकार कौन है, इनका आपने हमें जन्म भी बताना है और रचनाओं के बारे में भी बताना है कमेंट बॉक्स में। जिससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी नॉलेज भी शेयर होगी और हमारी नॉलेज भी इंक्रीज हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले जो हमारे वीडियोस हो गए, लेक्चर हो गए, वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम 10 क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।